क्या बात है? तुम यहां इस वक्त? सब ठीक तो है? कहे तुम बताओ ना निशा, क्या बात है? मैंने कोशिश तो पूरी की थी और मैं कामयाब भी हो गई थी, बस वो लैपटॉप अगर ऑन नहीं होता तो बस 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 वजह चाहे कुछ भी रही हो, हमारा प्लान तो फेल हो गया ना। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि तुम दोनों क्या कर सकते हो, बहुत मोटे रकम लिए थे मुझसे, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। याद है किस हाल में संभाला था हमने तुम्हें? पैसे ही पैसे के लिए मोहताज थी तुम दोनों, खाने तक के लिए पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, मगर हमने सब कुछ दिया। मगर तुमने हमारे लिए क्या किया? सॉरी दादी, लेकिन निराश किया तुमने हमें, खुद तो नाकामयाब हुई ही, साथ में हमें भी नाकामयाब बना दिया। कहीं उन लोगों को पता तो नहीं चल गया कि तुम लोग हमारे मोहरे हो? नहीं दादी, ये सब वहां कोई नहीं जानता। तुम्हारी तुम्हारी बहन निकिता कहाँ है? नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मेरी सच्चाई सबके सामने आते ही उसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और सबके सामने मुझ पर चिल्लाने लगी। और सिर्फ यही नहीं, उसने ये कहा कि उसके लिए उसकी बहन मर चुकी है और उस घर से मुझे बाहर निकालने वाली वो थी। What? निकिता ने ऐसा किया? वो ऐसा कैसे कर सकती है? निकिता कुछ भी कर सकती है। हमारी कामयाबी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। और वो कहते हैं ना कि एक चाल के फेल होते ही दूसरी चाल चल देनी चाहिए, बस मैंने वही किया। उनके दुश्मन को अपना दुश्मन बनाकर उनका विश्वास जीत लिया। हाँ, हमारी एक चाल फेल जरूर हुई है, लेकिन भाई राजा हमारे हाथ से निकले नहीं है अभी तक। अब आप लोग उस घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। आप जैसा चाहती है ना दादी, ठीक वैसा ही होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से करूंगी सब कुछ। परायों का दिया हुआ घाव जल्दी भर जाता है, लेकिन अपनों के दिए हुए घाव जिंदगी भर नहीं भरते। बस ऐसा ही घाव बलराज ठाकुर को अपना सगा भाई देगा अमर, जो अब मेरी मुट्ठी में है। उसे मैं अपने ही भाई का दुश्मन बना दूंगी। बस अब तो आप लोग देखते जाओ कि मैं क्या क्या तमाशे करती हूं, कैसे
से मैं नीलिमा को बलराज ठाकुर से दूर करती हूँ। उस घर में तुम्हारा अपमान हुआ है ना निशा, देखना कैसे मैं उस अपमान का बदला लेती हूँ। बलराज ठाकुर, अब तुम्हें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अब आप लोग बस देखते जाओ कैसे मैं बलराज ठाकुर को तड़पा तड़पा की एक एक बात का बदला लेती हूँ। इतना तड़पाऊंगी, इतना तड़पाऊंगी कि ना ही वो जी पाएगा और ना ही मर पाएगा, मर मर के जिएगा। शाबाश मेरी बच्ची, तुमने हारी हुई बाजी को जिताने का काम किया है। विभीषण तो तुम बन चुकी हो, राम को नहीं रावण को जिताने के लिए। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा तुम हमारी बेदी बनकर 24 घंटे दुश्मन के साथ रहोगी और एक एक पल की खबर हमें दोगी, और हम जब चाहे जहां चाहे अपनी चाल चल सकते हैं। और हम करेंगे बर्बाद बलराज ठाकुर को, और ये सब तुम्हारी वजह से होगा निकिता। बहुत अच्छा निकिता, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बहन, इनफैक्ट तुम तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। अब देखना दादी, जीत हमारी होगी। हाँ, बलराज ठाकुर और उसके परिवार का बर्बाद होना और आपकी जीत, ये तो तय है दादी। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन दादी, हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी उन लोगों ने मुझ पर विश्वास करना शुरू किया है। अगर अब भी मैं कुछ कदम उठा लूंगी ना, तो शायद उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। Well, I have to be careful. आखिर दगाबाज दोस्त निशा की बहन जो हूं मैं। इसलिए पहले उनके दिलों में अपने लिए विश्वास पैदा करूंगी, फिर मैं उनकी नींव को खोदना शुरू करूंगी। हमें तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन बलराज ठाकुर के बारे में एक और बात जान लो। बलराज ठाकुर की जान उसके अपने शरीर में नहीं बसती, बल्कि उसकी बहन नंदिनी के शरीर में बसती है। नंदिनी नीलिमा की ननद, राइट? हाँ, वही। तुम लोगों ने वो राजा की कहानी तो सुनी होगी ना, राजा की जान तोते में, उसी तरह बलराज ठाकुर की जान नंदिनी में। तुम लोग समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? बस बस दादी, बस अब मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। नहीं, मेरी पूरी बात सुनो। नंदिनी भी बलराज के लिए अपनी जान दे सकती है। नीलिमा और बलराज को अलग करने की चाल को अगर कोई टक्कर दे सकता है उस घर में, तो वो है नंदिनी। नंदिनी से सावधान रहना, इस तरह से चाल चलना कि इस चाल की भनक नंदिनी को न लगे। आप चिंता मत कीजिए दादी, इस बार तो हम जरूर कामयाब होकर रहेंगे। आपकी जीत तो पक्की है, चाहे 10 नंदिनी मेरे सामने आकर खड़ी क्यों नहीं हो जाती, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आप परेशान मत होइए, नंदिनी तो अब घर वापस आने ही वाली होगी। उसी ने फोन कर बताया था ना आपको। अभी कहाँ,
वो कह रही थी कि एक धाम की यात्रा अभी तक बाकी है, वो एक धाम का दर्शन करके ही वापस आएगी। पता नहीं कितने और दिन लगेंगे उसे। बस अब नंदिनी जल्दी से वापस आ जाए। एक तरह से अच्छा हुआ कि वो चली गई। खुद ही सोचे, अगर नंदिनी होती जब ये सब हुआ था तो उसे कितना दुख पहुंचता। मेरी सहेलियों की वजह से आपका जो अपमान हुआ है वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर आपके लिए नंदिनी चार धाम से बढ़कर है तो नंदिनी के लिए आप भगवान से बढ़कर है। बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए। सो जाइए। नंदिनी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नंदिनी आ गई। चाबी भी ना पता नहीं कहाँ गई, मिल ही नहीं रही है। नंदिनी डोरबेल बजा दो ना। नहीं कादम्बरी जी, हम राजा भैया को सरप्राइज देना चाहते हैं, और वैसे भी अभी तो वो लोग सो रहे होंगे ना। नंदिनी जी, क्या आपको अच्छी तरह याद है कि चाबी अपने बैग में रखी थी? हमें अच्छी तरीके से याद है, हमने चाबी बैग ही में रखी थी। देखिए देखिए, नंदिनी कैसे आ सकती है? हमारा दिल झूठ नहीं कह सकता नीलिमा, नंदिनी आ गई है। अगर नंदिनी आई होती तो क्या बेल नहीं बजाती? हम लोग नंदिनी के बारे में बात कर रहे थे तो शायद यही आपके दिमाग में चल रहा है। चलिए सो जाइए। नहीं, नंदिनी आ गई नीलिमा, वो आ गई है। हाँ, चाबी मिल गई।
ये क्या हुआ आपके हाथ में? कुछ नहीं रे, तू अंदर आ ना। आइए ना आप लोग भी, आइए आइए। अरे फातिमा भी, अंबल, अरे देख कौन आया है। मेरी बहन आ गई, मेरी प्यारी बहन। तेरी हमें परेशान करने की आदत गई नहीं ना, लेकिन देख तो हमें परेशान नहीं कर सकी। डाल डाल तो हम पात पात है ना। भरकर देख लेते थे तुझे, तक तुझे फोटो में ही देखते थे, तुझसे बात करते थे, अपना दिल बहलाने की कोशिश करते थे, लेकिन हम अपना दिल नहीं बहला पाते थे। अरे तू कभी फोटो हो सकती है का? नहीं भैया, नहीं रोते, ऐसी बातें नहीं करते। चुप हो जाइए प्लीज भैया। तू भी तो बिना कुछ कहे कुछ बताए चली गई। कभी सोचा हम कैसे जी पाएंगे? और हमने जो अपने राजा भैया के लिए मदद मांगी थी, हम उसे पूरा नहीं करते क्या भैया? तो फिर हमसे वादा कर, आज के बाद तू कभी ऐसा कोई मदद नहीं मांगेगी जिसकी वजह से तू हमसे दूर हो जाए। वादा करते हैं भैया। अरे पगली, हमारी सबसे बड़ी मन्नत तो तू है, और देख आज के बाद अगर छोड़कर चली गई ना तो हम तेरे बड़े भाई हैं, तेरी पिटाई कर देंगे। हाँ अच्छा, तो आप हमारी पिटाई करेंगे? ठीक है, मारिए मारिए हमें। चलिए मारिए। अच्छा ये ले। का लगा हा? तुझे लगा हम नहीं पिटाई करेंगे? बोल। कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अच्छा ओ माँ, कहाँ हो नंदिनी, तू ठीक तो है ना? हा? बोल। कैसी हैं आप? अच्छी। बातें मम्मी की जीवन के मीठे इतनी जल्दी क्या थी तुझे आने की? हाँ तू घर पे नहीं थी ना, कितनी शांति थी यहाँ पे। इसका मतलब हम घर में अशांति फैलाते हैं? हाँ भैया मैं आपको बताऊंगी। अरे नंदिनी, अंबल, 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 अं